नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में गुरु जी में। फ्रेंड्स, सीबीटी टू एएलपी का रिजल्ट दोस्तों आपका आ चुका है। और फ्रेंड्स, रिजल्ट आने के बाद यहां पर सबसे बड़ा डाउट जो दोस्तों छात्रों के मन में बना हुआ है वो है फ्रेंड्स सीबीटी थ्री को लेकर। अब दोस्तों सभी छात्र यहाँ पर परेशान है कि कौन यहाँ पर साइको में जाने वाला है और दोस्तों कौन यहाँ पर बाहर होने वाला है साइको से। तो फ्रेंड्स, मैं पूरी बात यहाँ पर करता हूँ तो कब आपका साइको का रिजल्ट आएगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है कि साइको का एग्ज़ाम दोस्तों कब होगा, इसके अलावा टेक्नीशियन का रिजल्ट दोस्तों कब जारी किया जाएगा, उसका मेरिट लिस्ट कब जारी की जाएगी, तो सब बातें दोस्तों यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। एक एक डाउट दोस्तों आपका जो है दिमाग में सब यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और सभी डाउट्स को यहाँ पे क्लियर होने वाला है आपका। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी डाउट्स को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका देखिए रेलवे का दोस्तों ऑफिशियल नोटिस आया हुआ था, जो आपका सेकंड स्टेज सीबीटी टू का दोस्तों रिजल्ट आया हुआ था। उसके बाद दोस्तों ये आपका ऑफिशियल नोटिस जारी किया था, जिसमें दोस्तों क्या क्या लिखा हुआ है आपके साइको टेस्ट को लेके। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कुछ ऑफिशियल वेबसाइट से फ्रेंड्स इस नोटिस को हटा दिया गया है, लेकिन दोस्तों कुछ पे है तो, लेकिन दोस्तों इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी दोस्तों ऑफिशियल नोटिस जारी होती है वो सभी बोर्डों की दोस्तों सहमति के बाद ही होती है। अब अगर कुछ बोर्ड यहाँ पे इस ऑफिशियल नोटिस को हटाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर कुछ पे है तो इसका मतलब कोई भी दोस्तों इसके लिए कोई नया रूल नहीं लाया गया है, ना ही दोस्तों कोई नया यहाँ पे आपके सामने कोई प्रोसेस होने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सेकंड स्टेज सीबीटी टू फॉर एएलपी टेक्नीशियन पोस्ट अगेंस्ट सीएन नंबर 01/2018 वॉज कंडक्टेड ऑन 21, 22, 23 and 8 February 2019। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आंसर की 18 से 20 तारीख तक आपका क्वेश्चन रेस का था। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेज सीबीटी टू का दोस्तों पूरा इवेल्युएट करके आपका रिजल्ट जारी किया गया है, लेकिन दोस्तों इसके बाद देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ये आपका कि फ्रेंड्स आपका ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है सीबीटी थ्री होने वाला है वो आपका 16/4/19 को होगा। और फ्रेंड्स 6/4/19 से पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, द रिजल्ट कंटेनिंग शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इज लाइकली टू बी पब्लिश्ड ऑन और बिफोर, यानी दोस्तों या तो फिर 6 को या फिर उससे पहले दोस्तों ये आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा कि कौन कौन यहाँ पे साइको के लिए एलिजिबल है या दोस्तों साइको में जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने अगर पोस्ट प्रायोरिटी चूज कर रखी है पहले एएलपी को, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एएलपी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ एएलपी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद जब आप एएलपी दोस्तों साइको टेस्ट दे लेंगे, उसके बाद दोस्तों अगर आपने टेक्नीशियन पोस्ट प्रायोरिटी में डाल रखी है लास्ट में, तो फ्रेंड्स आपको टेक्नीशियन का कटऑफ देखा जाएगा। तो अगर दोस्तों मान लीजिए आप साइको में फेल हो जाते हैं, सपोज कीजिए आप साइको में फ्रेंड्स यहाँ पे फेल हो गए, तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो हो सकता है आपका कंसिडरेशन यहाँ पर जब मेरिट लिस्ट बनेगी टेक्नीशियन की तो उसमें आपका हो जाए। लेकिन दोस्तों अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी टेक्नीशियन डाल रखी है और बाद में साइको है, तो भी दोस्तों आपका साइको में रिजल्ट आएगा तो साइको पे आपको कंसिडर किया जाएगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए आप साइको पे शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो भी आपको साइको देने जाना पड़ेगा। और साइको देने के बाद दोस्तों एक बार बता दूँ आपको, जब दोस्तों का साइको एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद दोस्तों साइको का कंप्लीट दोस्तों आपका बनेगा, ये मेरिट लिस्ट बनेगी साइको एलपी वालों के लिए, और फिर टेक्नीशियन दोस्तों अलग बनेगा। अब दोस्तों वहाँ पे ये आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा बोर्ड कौन सा दोस्तों नौकरी लेनी है, साइको में जाना चाहते हैं मतलब एलपी में आप जाना चाहते हैं या फिर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आप जाना चाहते हैं, इसके बाद ही दोस्तों डिसाइड ये हो पाएगा। लेकिन दोस्तों जिन्होंने प्रायोरिटी एएलपी डाल रखी है तो उनको दोस्तों केवल और केवल एएलपी ही मिलने वाली है, अगर वो साइको पास करते हैं तो उनके पास टेक्नीशियन कोई ऑप्शन वहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी टेक्नीशियन डाल रखी है तो दोनों में आपका सिलेक्शन दोनों होने के पूरे चांसेस यहाँ पर दोस्तों बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑफिशियल नोटिस आपका देखिए 100% श्योर है, और दोस्तों इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि 99% आपके चांसेस हैं कि जो है आपका साइको के दोस्तों जो डेट है वो चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो ऑफिशियल नोटिस आपका जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं आ रहे हैं। अभी बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर ये ऑफिशियल अपडेट दोस्तों पड़ा हुआ है, उसको हटाया नहीं गया है। तो अगर दोस्तों इसको हटाना होता या ऑफिशियल डेट इसकी चेंज करनी होती आपके साइको की या रिजल्ट को, तो फ्रेंड्स तक नया नोटिस आपके सामने जारी हो चुका होता, या फिर दोस्तों इस पूरे ऑफिशियल नोटिस को वहाँ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको हटा दिया गया होता। लेकिन दोस्तों बहुत सारे बोर्ड्स हैं जहाँ पर ये पूरा अभी आपका अपडेट पड़ा हुआ है, कुछ भी वहाँ पर चेंजिंग नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स ये पूरी जानकारी आपके एएलपी सीबीटी थ्री को दोस्तों लेकर था। इसके अलावा फ्रेंड्स साइको कैसे प्रिपरेशन करनी है दोस्तों और क्या क्या उसमें सिलेबस दोस्तों, इसका वीडियो मैं पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ, उसे आप देख लीजिएगा अगर आप साइको का एग्जाम देने जा रहे हैं तो।
और दोस्तों माइंड कंसंट्रेशन बहुत ही बड़ी चीज़ है आपके साइको के एग्जाम के लिए। तो अगर फ्रेंड्स आप साइको के लिए एलिजिबल हैं तो पूरी वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, पूरा सिलेबस जान लीजिएगा और फ्रेंड्स टॉपिक वाइज कवर जरूर कीजिएगा ताकि भविष्य में कोई भी दिक्कत ना हो आपके साइको के एग्जाम में। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता होगा साइको के एग्जाम में दोस्तों आपके 8 गुना कैंडिडेट्स लिए जा रहे हैं, यानी जितनी आपकी वैकेंसी फ्रेंड्स है उसका 8 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे साइको के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंपटीशन रेट काफ़ी हाई होने वाला है, तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, इजी में दोस्तों आराम से लीजिएगा, बहुत दोस्तों आराम से आपका साइको यहाँ पे निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये पूरी बात थी आपके आज की वीडियो के बारे में, आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा और फ्रेंड्स हमेशा नए नए अपडेट पाने के लिए रेलवे के चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए अपडेट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।